नेशनल हेराल्ड केस सबसे पहले 2012 में चर्चा में आया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। जी हां, आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। नेशनल हेराल्ड केस का पूरा मामला क्या है और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को TJL की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, दोनों अब मृतक हो चुके हैं, उनके ऊपर हिस्सेदारी बनाई गई है। इसके बाद TAJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बाद यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में TAJL का स्वामित्व मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।